हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज मैं बात करूंगा 354 आईपीसी या फिर 376 आईपीसी के बारे में। 376 आईपीसी का मुकदमा अगर किसी भी महिला ने किसी भी अभियुक्त के ऊपर लगा दिया है, और अब दो कंडीशन बनती है, अभियुक्त जेल में हो और अभियुक्त बाहर हो। अगर अभियुक्त जेल में है फिर भी पीड़िता ये चाहती है कि मैं अब मुकदमा नहीं लड़ूंगी, मैं मुकदमेबाजी नहीं करूंगी, मुझसे अब मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा। काफी लोगों ने ये पूछा कि मैं मुकदमा नहीं चाहती हूं, मुझे क्या करना चाहिए। हमारे YouTube के सब्सक्राइबर दोस्तों ने पूछा, पीड़िता ने खास तौर से पूछा कि अगर मान लीजिए मैंने FIR दर्ज करा दिया और फिर अब मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहती हूँ, केस खत्म कराना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब इसके लिए भी दो कंडीशन है, एक तो चार्जशीट फाइल हो गई अर्थात चालान कोर्ट में पेश हो गई तब क्या कंडीशन बनेगी, दूसरी कंडीशन अगर चालान पेश नहीं हुई है तो क्या कंडीशन बनेगी। चलिए, अब वहां पे दो कंडीशन बनी, एक अभियुक्त जेल में हो तब, एक बाहर हो तब। पहले बात कर लेते हैं अभियुक्त जेल में है तो। अब अगर अभियुक्त जेल में है और आप शादी विवाह उससे करना चाहती हैं, वो भी तैयार है, तो बड़े आराम से केस खत्म हो जाएगा, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वयं ही बेल फाइल उसकी कर दीजिए, आप बेल फाइल करिए, अर्थात पीड़िता ही बेल फाइल करे कि हमसे वो लड़का तैयार है, मैंने जेल में मैं गई थी मिलने गई थी, वो सब कुछ राजी खुशी है। तो कई ऐसे जजमेंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कि आप जो है अगर पीड़िता से शादी करते हैं तो मुकदमा ऐसे ही खत्म कर दिया जाए, केस खत्म कर दिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर डिटेल से इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हमने जो वीडियो बनाया उसमें है। चलिए, दूसरी कंडीशन अगर अभियुक्त बाहर है और लड़की ये चाहती है कि भाई मैं मुकदमा खत्म करा लूं, मुझसे अब मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, या हो सकता है कि पीड़िता जो है नौकरी में हो, इसके वजह से भी नहीं कि बार बार तारीख पे जाना आना पड़े, इसलिए भी नहीं चाहती है, तो इसके लिए दो कंडीशन। अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो अलग कंडीशन बनेगी, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो अलग कंडीशन बनेगी। अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो आप अभियुक्त बेल पे बाहर हो तो चार्ज बन जाएगा, चार्ज के बाद फटाफट गवाही खत्म करा लीजिए, गवाही में आप गवाही लड़के के पक्ष में दे दीजिए, या कहीं ना कहीं आप इस तरह से अपने पक्ष के गवाहों को फोल्ड कर दीजिए कि भाई उसके पक्ष में ही गवाही दे दे तो भी केस खत्म हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर चार्जशीट नहीं गई है तो फिर आराम से मुकदमा कैसे खत्म किया जाएगा। सबसे पहले तो एक आप लिखित प्रार्थना पत्र SSP को दे दीजिए, चूंकि आपकी चालान पेश नहीं हुई है, और वहां पे जाके एक बयान दे दीजिए कि साहब इस कारण से मैंने मुकदमा कराया। उसमें आप बता दीजिए भाई कि कोई दबाव था या क्या था, कैसा था। चूंकि देखिए, पहली बात तो किसी के साथ भी किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए ये मुकदमे नहीं होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि भाई अगर आपके साथ कोई गलत बात है, कोई गलत काम किया है, किसी भी तरह से छेड़खानी किया, किसी भी तरह से आपराधिक कृत्य किया है, तो 100% उसे सजा मिलनी चाहिए। इस पक्ष में हम लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं, ये वीडियो हम लोग ऐसा नहीं बनाते हैं कि भाई अभियुक्त को ही फायदा मिले। हर हाल में फायदा उसे मिलना चाहिए जो निर्दोष है, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, चाहे मुकदमावादी हो, चाहे प्रतिवादी हो। कहने का ये मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई अब मैं मुकदमा नहीं, तो SSP साहब के यहाँ आप बयान कर दीजिए, वहां पे बताइए कि किस कारण से आपने एप्लीकेशन दिया, किस कारण से आप FIR दर्ज कराए, अब किस कारण से आप ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहती हैं, तो वहां से जांच के लिए आ जाएगा। और अगर आप चाहती ही हैं कि ये मुकदमा बंद कर दिया जाए, तो अगर 164 का बयान भी उसी के पक्ष में हो जाएगा। तमाम ऐसे रास्ते हैं, चूंकि चार्जशीट नहीं गई है तो अगर दरोगा जी चाहेंगे, भाई IO अगर चाहेगा, तो फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट भी लगा सकता है आपके बयान के आधार पे, गवाहों के बयान के आधार पे। तमाम ऐसे ग्राउंड होते हैं कि आपका मुकदमा न्यायालय तक नहीं पहुंचेगा,
फाइनल रिपोर्ट पहुंच जाएगी, कहने का मतलब जो चालान पेश होने वाली रहेगी और चार्जशीट फाइल होने वाली रहेगी, वो ना होके सीधे तौर पे आपको क्या होगा कि मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, मुकदमा वहीं से खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब।